दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम दिन दिन में मायके जाकर आ जाओ, रात मत रुकना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चलो संदा, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। संचित घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाजा खुलने में भी दिक्कत होगी। सुनते ही संदा का सहारा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्य क्रम होता, सुबह से तो भेज देता संचित संध्या को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं रुकने देता। बड़ा परिवार, सासा ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद की भी, दोनों बहनें सब इकट्ठा होते और साथ ही साथ पांच सहभाबियां भी। काफी बड़ा संयुक्त परिवार, हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। संध्या का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन संचित को पता नहीं क्या, जहां 10 बजते बस घर वापस जाने की धुन सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं कि घर अकेला हो, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। सुलो, सना जी समझाती भी थी संचित को कि वैसे ना छोड़ो मायके में संदा को, लेकिन जब वहां काम काज हो तब तो छोड़ दो। आखिर संदा का भी दिल करता होगा सबसे बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपाधापी में गुजर जाता है, रात को ही व्यक्ति फुर्सत से बोलता बतियाता है। मायके से आने के बाद संध्या का उदास सहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता। आखिर वो भी एक महिला थी और महिला के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी संध्या। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही दुष्परिणाम है कि मायके में रुक ना सको। आंखों में आंसू सलसला आए। भाभी, मम्मी, बहनों और भाइयों सब ने कहा, लेकिन संचित राजी ही नहीं हुआ। रोमांचित हो उठी संध्या। आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी ससेरी भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। अरे क्या करेगी रात में रुक कर, सिर्फ बातें ही तो करना है। सुबह जल्दी भेज दूंगा। और संध्या बहुत ही बुझे मन से बाहर आ गई और मोटर साइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुराल। तुम फिर संध्या को वापस ले आए, मैंने मना किया था, कम से कम उसको भतीजी की शादी मैं तो रुक लेने देती। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या सुमार है। संदा का
उतरा वह सहरा देख कर सुलोचना भी दुखित हो गई। आखिर वो भी दो दो बेटियों की माँ जो थी, क्या माँ आप भी शुरू हो गई। उन लोगों से कह आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। संचित जल्ला उठा। संध्या की शादी को सिर्फ अभी एक साल ही हुआ, सिर्फ एक बार पग फेरे। मैं ही एक दिन के लिए रुकी थी और उसके बाद तो संचित ने कभी सोड़ा ही नहीं। वो भी संचित की खुशी के लिए सली आती, लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब बहुत उदास हो जाती। इस बार जब संचित की शादी की सालगिरह पड़ी तो सुलोचना ने दोनों ही बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ साठ गांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगी। दीदी ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही से क्या मतलब? अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप लोगों को, आपको तो पता ही है कि हम लोग रात में ही कायदे से बैठ कर बातें सीटे कर पाते हैं। आप कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या बताऊं, तुम्हारे जीजाजी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस निकल लोगी। जब हमने हामी भरी तभी तैयार हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। क्या करेगी ये लोग रुक कर? तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजाजी भी पीछे से बोले। जीजाजी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, कई बहन बेटियां इस तरह रात में वापस होती हैं। क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लाते हो, उसको उसके मायके में नहीं रुकने देते। उसके भी तो मायके वालों को बुरा लगता होगा। कैसे बुझे मन से बेसारी वापस आती हैं कि देखकर मुझको खराब लगता है। अभी जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक ही रुक लेगी। एक बार जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा तब वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब सुलोचना ने देखा कि लोहा गर्म है और उसने तुरंत वार कर दिया। अचानक संचित के दिमाग में सन्नाक से हुआ, कह तो माँ बिल्कुल सही रही हैं। सचमुच उन लोगों को मेरी जरा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लग रही है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ एक साल। और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। अच्छा माँ अब मैं समझा, ये सब आपकी ही बनाई हुई योजना है मुझे सही राह पर लाने के लिए।
लेकिन दीदी लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज संदा मुझे माफ कर दो, अब से तुम जब भी चाहो तब मायके में रुक सकोगी, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। संचित संदा का सहारा निहारते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। और संदा प्रफुल्लित होकर सुलोचना के पैरों में झुकने लगी। सुलोचना ने संदा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आखिर मैं भी दो बेटियों के साथ साथ अब तुम्हारी माँ भी हूँ। और बहू के मन के भाव नहीं सासू माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिल खिलाती हुई अंदर वापस आ गई, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थी। ये तो सिर्फ संचित को सीख देने की योजना का ही प्रारूप था।